बजाज क्यूट RE60 2018 ये दिसंबर 2018 में लॉन्च होने वाली है और इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 2 लाख रुपए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए इस गाड़ी के बारे में सब कुछ जानने के लिए। हम लोग बात करने वाले हैं इसके सारे स्पेसिफिकेशंस और आपको फीचर्स क्या क्या मिलते हैं इस गाड़ी में उसके बारे में। तो बजाज क्यूट बजाज की तरफ से किया गया एक नया एक्सपेरिमेंट है जिसे हम लोग कहते हैं क्वाड्री साइकिल। ये गाड़ी कार बाइक और ऑटो का हाइब्रिड है। सो हे गाइस, मेरा नाम है शिवांशु तिवारी और अगर आप लोग इस गाड़ी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं और ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मैं जब भी नए वीडियोस डालूं तब तक डायरेक्ट नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। यहाँ पे आपको 216 सीसी का पेट्रोल इंजन मिलता है, यानी कि लगभग 216.6 सीसी का पेट्रोल इंजन, जिसकी पोजीशन आपको इस व्हीकल के पीछे यानी कि रियर साइड में मिलती है। इसके आगे की तरफ जहाँ पे आम गाड़ी का इंजन होता है वहां पे आपको बूट मिलता है। इसमें आपको 13.2 पीएस का पावर मिलता है और 18.9 एनएम का टॉर्क। अब बात करते हैं इसके ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में। यहाँ पे आपको 5 मैनुअल गियर मिलते हैं सीक्वेंशियल और एक रिवर्स गियर मिलता है। अब बात करते हैं इसके माइलेज के बारे में। यहाँ पे आपको 36 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज मिलती है, यानी कि 36 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज विद पेट्रोल। वहीं पे बात करते हैं सीएनजी के साथ, तो सीएनजी के साथ ये गाड़ी आपको माइलेज देती है 45 किलोमीटर पर किलोग्राम। बजाज क्लेम करती है कि ये गाड़ी 3.5 रुपीज पर किलोमीटर पेट्रोल पे चलती है। वहीं पे अगर बात करते हैं सीएनजी की तो ये आपको 1 रुपीज पर किलोमीटर की माइलेज देती है। अब बात करते हैं इसके डोर्स एंड विंडोज की। यहाँ पे आपको 4 दरवाजे मिलते हैं इस गाड़ी में। वहीं पे बात करते हैं इसके विंडोज की, तो यहाँ पे आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड मिलेंगे इसके सारे विंडोज, जो कि आपको हॉरिजॉन्टली वेंटिलेशन का मौका देते हैं। अब बात करते हैं इसके एंटरटेनमेंट सेक्शन की। यहाँ पे आपको FM रेडियो का ऑप्शन मिलता है। वहीं पे बात करते हैं इसके स्पीकर्स की, तो इस गाड़ी में आपको 2 स्पीकर्स मिलते हैं। इसके साथ आपको USB का सपोर्ट मिलता है। वहीं पे बात करते हैं इसके चार्जिंग की, तो इसमें आपको 1 मोबाइल चार्जिंग मिलता है विद 12V पाउटलेट। अब बात करते हैं इसके टॉप स्पीड की, तो बजाज क्लेम करती है कि ये गाड़ी मैक्सिमम 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकती है। इसकी सर्विसिंग कॉस्ट एक 3-व्हीलर ऑटो के बराबर ही है। इस व्हीकल के रियर सीट पर आपको 3 लोगों की बैठने की आजादी मिलती है। वहीं पे बात करते हैं इसके फ्रंट की तरफ, तो यहाँ पे आपको एक ड्राइवर सीट और एक फ्रंट पैसेंजर सीट भी मिलती है। आप 40 किलोग्राम तक का सामान इसके रूफ पर भी रख सकते हैं। अब बात करते हैं स्पेस की। यहाँ पे आपको पीछे की तरफ जो रियर सीट्स मिलती हैं, ये फुल फोल्डिंग रियर सीट्स हैं। इसे फोल्ड करने पर आपको 400 लीटर की बूट स्पेस मिल जाएगी। इस क्वाड्रीसाइकिल में आपको फ्रंट की तरफ डैशबोर्ड पे एक लॉकेबल कंपार्टमेंट भी मिलता है। अब बात करते हैं इसके कंफर्ट की, तो इस गाड़ी में आपको AC वगैरह तो नहीं मिलता है, ना ही बहुत अच्छा सस्पेंशन है, लेकिन एक आम ऑटो जैसा कि होती है वहां से आपको अच्छा ही एक्सपीरियंस मिलने वाला है। बात करते हैं इसके ब्रेक्स की। यहाँ पे आपको ABS तो नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको 180mm डाया की व्हील्स मिलती हैं। अब बात करते हैं कंक्लूजन की, तो ये गाड़ी मुख्य रूप से उन ऑटो ड्राइवर्स के लिए बनाई गई है जो कि थोड़ा सा ज्यादा कंफर्ट देना चाहते हैं अपने पैसेंजर्स को, या फिर एक ऐसी फैमिली के लिए जो कि कार तो खरीदना चाहती है लेकिन उतना बजट उसके पास नहीं है। तो मैंने तो अपना बता दिया, अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी। और अगर आप लोगों को ऐसी वीडियोस डेली देखनी है तो सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मैं जब भी नए वीडियोस डालूं तब तक डायरेक्ट नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और लाइक किए बिना मत जाइएगा अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो। बाकी अब बजाज के इस नए एक्सपेरिमेंट को डिटेल में जानने के लिए और ज्यादा पढ़ने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। सो अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मैं जब भी नए वीडियोस डालूं तब तक डायरेक्ट नोटिफिकेशंस पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बाय।